अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ज्ञानातिमरंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामायं ददाति स्वापदान्तिकं वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादां सहगना ललिता श्री विशाखावितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मिलकर सारे बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम
स्वप्नोपदाय कृष्णावस्थाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारणे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की जय बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय बोलो गौर निताय पंच तत्व की जय धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं बालको बालिकाओं मेरी अपनी प्यारी आत्माओं गौर भगवान कथा के दूसरे दिन आप सबका अभिनंदन स्वागत पधारने के लिए धन्यवाद। ये जो अवतार हुए जो आत्मदर्शी संत महात्मा थे हम लोग जो हैं प्रायः दुनिया में खोए हुए हैं विषय विकारों के कारण हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। जो मुक्त पुरुष उन्होंने इनका बड़ा गुणगान किया उनका कि अवतार भालो अवतार भालो। ऐसा अवतार नहीं हुआ क्यों? इन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम जो है वो कलियुग के लोगों को दिया। कृष्ण प्रेम देवताओं को भी दुर्लभ है और हम कलियुग के लोगों को जो कृष्ण प्रेम भगवान ने दिया ये बड़ी विशेष बात है। जो कि सतयुग में त्रेता युग में द्वापर युग में भी नहीं मिला लोगों को तो कलियुग के लोगों के लिए गौर भगवान ने ये उपलब्ध कर दिया। इसलिए एक महात्मा एक संत इनके बारे में कह रहे हैं के गो तुमी कंगाल बेशे देश विदेशे गुरे बेड़ा के गो तुमी कंगाल बेशे देश विदेशे गुरे बेड़ा के गो तुमी कंगाल अति बड़ व्यतार व्यथी अति बड़ व्यतार व्यथी नयन जले वक्षवशा नयन जले वक्षवशा देश विदेशे गुरे बेड़ा देश विदेश घूरे बेड़ा के गो तुमी कंगाल बेशे देश विदेश घूरे बेड़ा के गो तुमी कंगाल बेशे देश विदेश घूरे बेड़ा
अधम पतित अचंडाले स्नेह रखोले लाभ तोले दिव्य प्रेम आंखें खोले भव वंचित पद देखाए ना देश विदेश गुरे बेड़ा के गो तुमी गंगा वेशे देश विदेश गुरे बेड़ा मन दयाल के गो तुमी विलाले प्रेम चिंतामणी धरलो बले प्रेम रखनी अचंडाले विलाए धाव के गो तुमी कंगाल वेशे देश विदेश गुरे बेड़ा अचंडाले प्रेम विलाले ताप ज्वाला जोड़ाइले माया मुगन जीविरा भव चुन चिर तरे मिटाएगा के गो तुमी कंगाल वेशे देश विदेशे गुरे बेड़ा कंगाल वेशे देश विदेश गुरे बेड़ा यमुना रकुले कदम्बेरा मूले बजाते वंशी राधा बोले से न तुमी गौर भाए न ध्येय से जीवे तरा के गो तुमी कंगाल वेशे देश विदेशे गुरे बेड़ा के गो तुमी कंगाल वेशे देश विदेश गुरे बेड़ा बोलो गौर भगवान की जय। एक वैष्णव गौर भगवान को कह रहे हैं आप कौन हो कंगाल वेश में आप देश विदेश में घूमते हो बहुत व्यथा से ग्रस्त होकर अश्रु से आपका वक्ष भीग जाता है। गौर भगवान रो रहे हैं कली पावन अवतार रो रहे हैं किस लिए लोगों की दुर्दशा देख करके। हम लोग जो संसार में खोए हुए हैं हम नहीं जानते कि हमारी गति अच्छी नहीं है समय बीतने पर हमको पछताना पड़ेगा समय बीतने पर यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। जैसे चोर नहीं जानता कि चोरी करके अगर पकड़ा गया उसको जेल में बड़ा कष्ट दिया जाएगा। और ये गौर भगवान कैसे हैं
ये स्वयं कृष्ण हैं जो गौर रूप में आए हैं। अधमपतितों को, अधमपति यानी कि चंडाल, चंडाल जो कुत्ते खाने वाले, स्नेहवश आप गोद में उठा लेते हो। कुत्ते खाने वालों को गोद में ले लेते हैं भगवान। उनको दिव्य प्रेम चक्षु देकर भव वांछित पद आप दिखा देते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। उनकी प्रेम की आंखें खोल देते हैं गौर भगवान। हे परम दयाल, आप कौन हो? आप प्रेम चिंतामणि बांधते हो, आप चंडाल तक हो, प्रेम की खान बटोरते हो। सबको प्रेम दे रहे हैं, हमको प्रेम चाहिए। अभी विषय वासनों से हमारा प्रेम है, घर परिवार से प्रेम है। ये विषय वासनों से प्रेम, घर परिवार से प्रेम, ये नरक का द्वार है। अगर हमें कृष्ण से प्रेम हुआ तभी हम भगवान को पा सकेंगे, तभी हमको कृष्ण मिल सकेंगे। चंडालों तक को प्रेम बांधकर आप तीनों ताप के जलन को मिटाते हो। हम यहां तीन प्रकार के तापों से जल रहे हैं, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक। जिसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है वो तीनों तापों से शांत हो जाते हैं, उसके दुख सब समाप्त हो जाते हैं। आप भव में मायामुग जीवों की भूख को सदा के लिए शांत कर देते हैं। देखो, जब तक हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलता जो गौर भगवान ने बांटा, तो हमें संसार की ओर आकर्षण हमारा बना रहता है। पुरुष का स्त्री की ओर बना रहता है, स्त्री का पुरुष की ओर, और बंधन में पड़े जाते हैं दोनों। आखिर में ये कह रहे हैं, यमुना के तीर पर कदम वृक्ष के नीचे आप राधा नाम लेकर बंशी बजाते हो। वही आप गौर बनकर नदियां में जीवों को उतारते हो। नदियां में भगवान प्रकट हुए और उन जीवों का उद्धार किया। प्रिय बंधुओं, प्रयास करो सारे गौर भगवान की शरण लेने का। गौर भगवान उनकी लीलाओं का वर्णन कल हो रहा था। गौर भगवान ने जब गया में जब गए तो उनकी पहली पत्नी विष्णुप्रिया, उनको विरहा के सर्प ने काटा और उन्हें देह त्याग दिया। फिर सच्ची माता चाहती थी कि निमाई का दूसरा विवाह हो, तो दूसरा विवाह भगवान का, गौर भगवान का, विष्णुप्रिया माता से हुआ। जब लक्ष्मी प्रिया का शरीर छूट गया तो सच्ची माता बड़ी चिंतित थी कि मेरे निमाई का जीवन, बहुत ही लोग जैसे सोचते हैं, सच्ची माता भी ऐसे, जो यशोदा जी का अवतार है, वो चिंतित रहती थी। उन्होंने फिर से अपने पुत्र के विवाह के बारे में विचार किया तो सनातन मिश्र नाम के एक अत्यंत पुण्यवान प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे जिनको राज पंडित कहते थे। उनकी एक कन्या थी विष्णुप्रिया, जिनको भूदेवी का अवतार कहा गया है। बोलो, भूदेवी अवतार विष्णुप्रिया माता की जय। वो भूदेवी का अवतार थी विष्णुप्रिया माता। उचित मुहूर्त देकर सच्ची माता ने निमाई का विवाह विष्णुप्रिया से संपन्न करवाया। माता ने अपने पुत्र का दूसरा विवाह कर दिया।
तो भगवान गौर हरि नर रूप में आए हैं, उनका उद्देश्य वास्तव में जीवों का उद्धार है। तो जब भगवान गया यात्रा गए तो वहां पर उनको बड़ा ज्वर हो गया, बुखार हो गया भगवान, और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि तुम ब्राह्मणों के चरणामृत को लेके आओ। और भगवान ने ब्राह्मणों का चरणामृत पिया और उसके बाद वो स्वस्थ ठीक हो गया, ज्वर ठीक हो गया। इससे भगवान ने ये शिक्षा दी कि ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण जो हैं, शरीर के चार भाग हैं, सर, वायु, हाथ, पेट और टांगे। सर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करता है, शरीर को गाइड करता है, दिमाग, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और टांगे शूद्र, ये सब मिलकर एक शरीर बनता है। तो भगवान ने ब्राह्मणों के सम्मान की शिक्षा दी, पर ये भी भगवान ने शिक्षा दी कि कलयुग में जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। किसी ने अगर ब्राह्मण घर में जन्म लिया, कर्म करता है वो कसाईयों के, ऐसे भी लोग देखे गए, तो ब्राह्मण कैसे होगा? वो थोड़ा बहुत उसमें ब्रह्म बंधु उसको कह सकते हैं। और शास्त्र में भी आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजोत्तमा वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जन्म से कलयुग में सभी शूद्र हैं, वो कैसे? पहले, इससे पहले युग में पति पत्नी मिलने से पहले एक संस्कार करते थे, जिसका नाम गर्भदान संस्कार कहा गया है। यज्ञ होता था, नाम लिया जाता था, फिर पति पत्नी का मिलन होता था, वो जो संतान गर्भ में आती थी वो ब्राह्मण होती थी। आज किसी ब्राह्मण को श्राप देने की शक्ति नहीं है। मंत्रों से ब्राह्मण अग्नि प्रकट नहीं कर सकते। भागवत में इसकी तुष्टि हुई है। श्रृंगी ऋषि जो समीक ऋषि के पुत्र थे, 9 साल के थे बच्चे, लेकिन ब्राह्मण पैदा हुए हैं। उनको पता लगा कि उनके पिता के गले में किसने मरा हुआ सांप डाल दिया है। उनको उनके सहपाठियों ने बताया, उन्होंने झट श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता के गले में ये मरा हुआ सांप डाला है उसको 7 दिन के बाद तक्षक सांप काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये है ब्राह्मण, जब 9 साल का बच्चा श्राप दे गया। समय ऋषि को जब पता लगा तो उन्होंने कहा, ये बड़ा गलत किया तूने, तो बच्चा ही रहा, ऐसे राजा को श्राप दे दिया जो प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करता था। तो कलयुग में हम ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से भी अच्छे बन सकते हैं। कैसे? हम लोग वैष्णव बन सकते हैं। ये वैष्णव धर्म ही भगवान विष्णु के समय से है, ये वैष्णव धर्म ही आधी पुरातन है। इसलिए सभी वैष्णव बनने का प्रयास करो, अगर भगवत प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ो तो। ये भगवान ने शिक्षा दी, ब्राह्मणों का चरणामृत लेकर भगवान ठीक हो गए। ब्रह्म कुंड में स्नान करके भगवान विष्णु के मंदिर में उस वेदी के दर्शन किए जिस पर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह अंकित है। ये गया में विष्णु भगवान का चरण चिन्ह अंकित है। ऐसा करते ही निमाई पंडित दिव्य आनंद में झूम पड़े। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए विष्णु भगवान का चरण चिन्ह गया में दर्शन करके, और उनका भाव जागृत हो गया। भगवान नर लीला कर रहे हैं, ये स्वयं कृष्ण हैं, इसको याद रखो। जय गौर बोलो, जय गौर, जय गौर, जय गौर,
सही कृष्ण, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, सही जगन्नाथ। जो गौर हैं वही कृष्ण हैं और वही जगन्नाथ हैं। ब्रजेंद्र नंदन जई सच्ची सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई। ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण थे वो सच्ची नंदन बन के आए हैं, और बलराम जो हैं वो नित्यानंद बन के आए हैं। इन्होंने क्या किया, दीनहीन जातो छील हरि नाम उधारी लो, सबको हरि नाम का दान दिया। आज हम जो नाम ले पा रहे हैं इनकी कृपा से ले पा रहे हैं, और मेरे प्यारे हरि भक्तों इनकी कृपा से हमारा जन्म सार्थक हो सकता है। जन्म की सार्थकता इसमें है कि हमारे अंदर सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए। प्रेम सबके अंदर है लेकिन ये प्रेम सो रहा है, इसको जागृत करना है। हम लोग शुद्ध जब नहीं होते तो मोह माया फंस जाते हैं। एक बालक विदेश में रहने वाला एक लड़की से आकर्षित हो गया, जब शादी हुई तो परेशान हो गए। मेरे को कहता है कि मेरी पत्नी का नाम प्रचंड है, प्रचंड, वो प्रचंड हो गई। पहले आकर्षण होता है बाद में फिर। जैसे एक और बालक मिला, वो कहता है पहले दिन पत्नी जो होती है चंद्रमुखी होती है, पहले साल, दूसरे साल सूरजमुखी, और तीसरे साल ज्वालामुखी। तो कलयुग में ऐसे ही चल रहा है, लेकिन हम सब लोगों को भगवान कृष्ण प्रेम देने के लिए प्रकट हुए हैं, धाम में ले जाने के लिए आए हैं। सभी तैयारी करो धाम में जाने की। ये भी ध्यान रखो एक दिन तो ये शरीर छूटेगा ही छूटेगा। भगवान जब गया में थे तो उनकी ईश्वरपुरी से भेंट हुई। ईश्वरपुरी बड़े अच्छे संत थे, वैष्णव थे। बोलो शिला ईश्वरपुरी जी महाराज की जय। नदियां में भी पहले गौर हरि ईश्वरपुरी जी से मिल चुके थे, और महाप्रभु ने उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त की। उनको पहले कहा आप कृपा करें, तो ईश्वरपुरी कहते हैं गौर भगवान को, आप मुझे कह रहे हो मंत्र दीक्षा दो, मैं तो अपने प्राण भी आपको देने के लिए तैयार हूं। ईश्वरपुरी इतने प्रभावी थे गौर भगवान से। बोलो शिला ईश्वरपुरी जी महाराज को, मैं आपको पूरा आत्मसमर्पण करना चाहता हूं, कृपया अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रखिए जिससे मैं कृष्ण प्रेम सिंधु में गोते लगा सकूं। गौर भगवान की बड़ी महानता क्या है, इन्होंने कृष्ण प्रेम दिया। देखो कृष्ण प्रेम पाने के लिए आदमी को बड़ा शुद्ध होना पड़ता है, अपनी सत्ता को शुद्ध करना पड़ता है। शुद्धे शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। तो भगवान ईश्वरपुरी से जब मिले उनका बड़ा सोया हुआ भाव जागृत हुआ। भाव तो था, ये लीलाएं हैं भगवान की, कब किस समय कौन सी लीला प्रारंभ हुई। अभी गया से जब ईश्वरपुरी जी से उनकी भेंट हुई तो भगवान का कृष्ण प्रेम है, स्वयं कृष्ण हैं। लेकिन हम कलयुग के लोगों को कृष्ण प्रेम देने के लिए भगवान धरातल पर आए हैं। मेरी आप सब से करबद्ध यही प्रार्थना है, आप सब कृष्ण प्रेम अर्जित करो, कृष्ण प्रेम लेने का सभी प्रयास करो। कृष्ण प्रेम ही सार है, बोलो कृष्ण प्रेम ही सार है। कृष्ण भक्ति ही सार है, कृष्ण भक्ति ही सार है, और बाकी सब बेकार है, और बाकी सब बेकार है। बाकी कुछ भी होगा ना कुछ भी काम नहीं आएगा। एक संत ने कहा है
है व्यर्थ ही ममता किया, है व्यर्थ ही ममता किया। ना अंत को संग लाग रे, ना अंत सो संग लाग रे। तू भाग तनपुर छोड़ के, तू भाग तनपुर छोड़ के। बीती निशा अब जाग रे, बीती निशा अब जाग रे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, यदि प्रेम प्रभु से चाहता। अभिमान को तज तात रे, अभिमान को तज तात रे। दे छोड़ सब अरमान नित, दे छोड़ सब अरमान नित। हरि नाम जप दिन रात रे, हरि नाम जप दिन रात रे। प्रभु नाम जप दिन रात रे, प्रभु नाम जप दिन रात रे। नाते सभी तन से किए, नाते सभी तन से किए। माँ बाप पुत्र कला त्रिये, माँ बाप पुत्र कला त्रिये। बह जाएंगे सब एक दिन, जाएंगे सब एक दिन। तज के तुझे मझधार में, तज के तुझे मझधार में। है साथी सहोदर अपन पो, है साथी सहोदर अपन पो। भूला फिरे लक यात्रिये, भूला फिरे लक यात्रिये। तू भाग तनपुर छोड़ के, तू भाग तनपुर छोड़ के। बीती निशा अब जाग रे, बीती निशा अब जाग रे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, यदि प्रेम प्रभु से चाहता। अभिमान को तज तात रे, अभिमान को तज। देखो हमें अभिमान बड़ा है, जैसे कि व्यक्ति की मैंने बात बताई थी सुबह के सत्संग में, आ गया कोई अच्छे कर्म भक्ति में आ गया, दीक्षा ले ली, तो फिर हमारा काम है, गुरु का काम बड़ा कठिन है, सुधार करने लगे तो शरीर के स्तर पर अभिमान इतना भाग गया, लेकिन अच्छे कर्म फिर ले आए उसको हमारे पास, तो अहंकार जो है ना उसको छोड़ना है। जब शरीर संबंधी हम कार्य करते रहते हैं ना, तो हमें अहंकार आ जाता है। संदेश यह है गौर भगवान का, आत्मा संबंधी कार्य करने हैं, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा सदा रहने वाली है। तू भाग तनपुर छोड़ के, तनपुर बीती निशा, अभी समय बीत रहा है। अगर तू भगवान का प्रेम चाहता है, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता, अभिमान को छोड़ दे। तो अभिमान तभी छूटेगा जब शरीर के संबंधी, शरीर संबंधी कामों को हम छोड़ेंगे। हम शरीर संबंधी काम करते रहते हैं, विषय विकारों में लगे रहते हैं, कई प्रकार के लोग संपर्क में आते हैं, पत्नी चली गई, बेटी ससुराल में चली गई, लेकिन मोह माया नहीं छूट रही। शरीर संबंधी कार्य किए मौका है, क्या मोह माया। बेटी भी कहती जाओ पिताजी भक्ति करो, लेकिन पिताजी घर से चिपके हुए हैं, नहीं छोड़ना चाहते। जब हम छोड़ना नहीं चाहते तो यमदू जबरदस्ती छोड़ाते हैं। हम सबको छोड़ना पड़ेगा संसार, खुद छोड़ना सीखो। गौर भगवान ने आज उनके सन्यास लीला का वर्णन आएगा, 24 साल की अवस्था में सन्यास ले लिया भगवान। तो ईश्वरपुरी जी बड़े प्रसन्न है भगवान से, कहते हैं मैं तो आपका आपको अपना सर्वस्व अर्पण करना चाहता हूं, मुझ पर कृपा करो जिससे मैं कृष्ण प्रेम सिंधु में गोते लगा सकूं। कृष्ण प्रेम जो सागर है, कृष्ण का प्रेम सागर जो है उसमें गोते लगाने हैं, कृष्ण प्रेमी बनना है, उसी में सुख शांति है। भगवान जब गया से लौटे, उनमें बड़ा परिवर्तन आ गया, बहुत परिवर्तन आ गया। वो बारंबार श्री कृष्ण के नाम लेकर
भगवान का जब बार बार नाम लेते तो भगवान की देह में कंपन हो जाता था, शरीर कांपने लग पड़ता था भगवान का। और कई बार भगवान कृष्ण प्रेम में मूर्छित हो जाते, मूर्छित होकर गिर पड़ते। श्री कृष्ण के नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलना, और कुछ नहीं बोलते भगवान शिव जी कृष्ण। ये शिक्षाएं जो भगवान ने दी है ना, इनको जीवन में धारण करना है। क्योंकि जैसे कि प्राय हम कहते हैं हमने बहुत बड़ी परीक्षा में बैठना है, वो परीक्षा संसार से जाने की है। उस समय कोई मदद ना करता है ना कर सकता है, पति पत्नी की मदद नहीं कर सकती और पत्नी पति की मदद नहीं कर सकती, पति पत्नी की नहीं, पत्नी पति की नहीं, कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। उस समय मदद करने वाले गोविंद हैं, कृष्ण हैं, वही गोविंद अपना भक्त बनकर ये शिक्षाएं दे रहे हैं। श्री कृष्ण के नाम के अतिरिक्त कुछ भगवान नहीं बोलते थे। हमें भी ये जो जीवा है ना, इसका सदुपयोग करना चाहिए, जीवा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक गुरुदेव ने उदाहरण दिया है, प्रभुपाद जी ने, बरसात में मेंढक निकल आते हैं जमीन से, जब गर्मी होती है तो मेंढक बाहर आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा पानी इकट्ठे हो जाते हैं वो, तो मेंढक क्या करता है, गला फुला कर करता, क्या सोचता, कुछ भी नहीं, एक अर्थ है पास में सांप घूम रहा है, घूम रहा है, सांप का आहार मेंढक है, जो ऐने करता है तो गला उसका नीचे ऊपर होता है तो सांप देख लेता, धीरे जाकर उसको खा जाता है। याद रखो, बेकार की बातें करना मृत्यु रूपी सांप को बुलाना है, हमें तो भगवान को निकट बुलाना है। भगवान कैसे आएंगे, सदा भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ये अभ्यास करना है कि नाम, बस नाम जपते रहे हम। लोग कहते हैं, जैसे एक व्यक्ति था, हमने कहा उसको मंदिर में आना भाई, गुजराती था वो, कहता है मंदिर में क्या थी आऊँ, मारे पास से मरवा माटे टाइम नहीं थी, मैं मंदिर में कहाँ से आऊँ, मेरे पास तो मरने का भी समय नहीं है। लेकिन वो बरात अपने बेटे की शादी में बरात जा रही थी और शादी भी नहीं हुई, एक जगह रुका रास्ते में अल्पहार के लिए, वहीं मृत्यु हो गई उसकी। समय जो है किसी के पास नहीं है तो क्या करना है, जिनके पास समय नहीं है उनके लिए फार्मूला आप थोड़ा सुन लो, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना भराते चलो, नाम धन का खजाना भराते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरि बोल हरि बोल, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पीछे बोलो श्वास श्वास में हरि भजो श्वास श्वास में हरि भजो व्यर्थ श्वास मत खोए व्यर्थ श्वास मत खोए ना जाने इस श्वास का ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए आवन होए न होए हर श्वास में भगवान का नाम लो पता नहीं एक बार दूसरी आएगी या नहीं आएगी पर जब हम सुख भोग में पड़ जाते हैं ना प्रचंडा जैसी पत्नी मिल जाती है तो घबरा जाते हैं परेशान हो जाते हैं पहले बड़े खुश थे हम पत्नी प्रचंडा मिल गई हमको लेकिन जैसा नाम वैसा काम प्रचंडा तो प्रिय बंधुओं हरि चरणों मन को लगाओ उनके चरणों में सच्चा सुख है संसार में तो दुख ही दुख है तो भगवान जब गया से आए गौर हरि सदा नाम जपते रहते थे और कुछ बोलते ही नहीं थे भगवान और देखो भगवान भक्तों के कपड़े सुखाना उनके वस्त्रों को तय करना और उनकी उनका सामान उठाना कितनी विनम्रता हमारे गौर भगवान दिखा रहे हैं उनके सामान को ही गौर भगवान उठाते थे तो भगवान पहले गया जाने से पहले अध्यापक थे पढ़ाते थे लेकिन गया से जब आए तो भगवान ने जो शिक्षक का कार्य था पद था उसको त्याग दिया और संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की बोलो संकीर्तन आंदोलन की जय बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय प्रिय बंधुओं ये हरिनाम संकीर्तन स्वयं भगवान ने शुरू किया है इसमें भाग लो सारे संकोच मत करो शर्म मत करो कि कीर्तन में एक व्यक्ति उधमपुर में हमारे संपर्क में था रास्ते मिल गया तो मैंने कहा कि हरि नाम में शर्म आती है बुरे कर्म करते शर्म नहीं आती भगवान के नाम लेने में शर्म आती है ये दुर्भाग्य है
हम हिंदुओं को माला हाथ में पकड़ने में शर्म, तिलक लगाने में शर्म, लेकिन बुरे कर्म करने में कोई शर्म नहीं। एक दिन हम उसके घर कीर्तन लेके गए, पार्टी लेकर, बाथरूम में घुस गया, बाथरूम में घुसा ही रहा, निकला ही नहीं बाहर, कीर्तन में नहीं जाना। प्रिय बंधु, हमने तेरा दुर्भाग्य छोड़ दिया उसको। तो संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत हुई। महाप्रभु ये हरे कृष्ण कीर्तन गए, ये भगवान ने ही शुरू किया था। आप लोग पंजाब से हो तो पंजाबी में भगवान के नाम का कीर्तन थोड़ा बताएं। हरे कृष्ण कह के जन्म सुधारयो मना, हरे कृष्ण कह के जन्म सुधार हो मना, हरे राम कह के जन्म सुधारयो मना, हरे राम कह के हरि बोल सुधार हो मना। विशियां नाल प्यार ना बर्बाद हो मना, आके विशियां नाल प्यार बर्बाद हो मना, हरे कृष्ण जन्म सुधार हो मना, हरे कृष्ण कह के जन्म सुधार हो मना। जपन ले ओ तो आया सी कृष्ण नाम जपन, ऐथे आके तेनू ओ गल बिसर गई, ऐथे आके तेनू ओ गल बिसर गई, वैदा मात गर्भ वाला कर ले याद ओ मना, वैदा मात गर्भ कर ले याद ओ मना, हरे कृष्ण कह के जन्म सुधार ओ मना, हरे कृष्ण बोलो आवाज सदो, पाके विशिया नाल प्यार ना बर्बाद हो मना, काया माया देख कानू फूले आ फिरे, झूठी काया माया बोलो फूले आ फिरे, रंग यौवन जवानी उते डुले आ फिरे, रंग यौवन जवानी उते डुले आ फिरे, हरे कृष्ण कहना मूर्खा तू भुलिया फिरे, हरे कृष्ण कहना मूर्खा तू भुलिया फिरे।
मतलब तो बगैर नफेदार ओ मना, कोई नहीं मतलब तो बगैर नफेदार ओ मना। हरे कृष्ण कहके जन्म सुधार ओ मना, हरे कृष्ण कहके जन्म सुधार मना। पाके बिशिया नाल प्यार ना बर्बाद हो मना, काके विषिया नाल प्यार बर्बाद हो मना। कृष्ण जप बंदे सारे तंदे छड़ के, हरे कृष्ण जप बंदे सारे तंदे छड़ के, काम क्रोध मोह लोभ दिल बिचों कढ़ के, काम क्रोध लोभ मोह दिल बिचों कढ़ के, उचड़ जा नाम वाली बेड़ी हो जा पार हो मना, चढ़ जा नाम वाली बेड़ी हो जा पार हो मना। हरे कृष्ण कह के जन्म सुधार ओ मना, हरे कृष्ण कह के जन्म सुधार ओ मना। पाके पिशिया नाल प्यार ना बर्बाद हो मना, पाके विषिया नाल प्यार बर्बाद हो मना। जग वाली मोह ममता नू छड़ दे, झूठी जग वाली मोह ममता नू छड़ दे, अपने दिल बेचों दुई वाला पर्दा काढ़ दे, सिंगापुरी दिल बेचों दुई वाला पर्दा काढ़ के, सत संतोष अपने मन बीच पार ओ मना, सत संतोष अपने मन बीच पार ओ मना। हरे कृष्ण कहके जन्म सुधार ओ मना, हरे कृष्ण कहके कृष्ण नाम जपन ले, आया से कृष्ण नाम जपन ले, ऐथे आके तैनू ओ गल बिसर गई, ऐथे आके तैनू ओ गल बिसर गई, बैदा मात गर्भ वाला कर ले याद ओ मना, ऐसा मान लो मेरा याद ओ मना। हरे कृष्ण कहके सुधार ओ मना, हरे कृष्ण कहके सुधार ओ मना। पाके विषय नाल प्यार नाम प्रभा
बाद होम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे Nitai Gauranga, 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 Gaurari, Gaurari. गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि कलिमल हरि गौर हरि कलिमल हरि गौर हरि युग अवतारी गौर हरि युग अवतारी गौर हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरि नाम संकीर्तन दाता गौर भगवान की जय। तो याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों, गौर भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं, बातें नहीं, चुप करके बच्चों बैठ जाओ, कोई नहीं बोलेगा। ये शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण नाम के सिवा कुछ और बोलते ही नहीं, हर समय कृष्ण नाम लेते रहते हैं। तो महाप्रभु ने पहले बच्चों को पढ़ाते थे, त्याग दिया, मैं नहीं पढ़ाऊंगा भी कुछ भी, और संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। ये संकीर्तन आंदोलन बहुत दिव्य है, ये वातावरण को शुद्ध करेगा, हमारे मलिन मनों को शुद्ध करेगा और हमारे भव बंधन को छुड़ा देगा।
महाप्रभु ने छात्रों से शिक्षा देने में अपनी असमर्थता प्रकट की भगवान को। अभी भाव तो भगवान का शुरू से ही था, लेकिन अभी से भगवान जो हैं कि मैं नहीं अभी पढ़ा सकता, उनको हरि नाम संकीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। सारे छात्रों को कहा कि तुम हरि नाम संकीर्तन करो, ये महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। प्रिय बंधुओं, उन्होंने छात्रों को कहा देखो तुम चाहो कोई दूसरा अध्यापक ढूंढ सकते हो, मैं नहीं अब पढ़ाऊंगा। छात्र कहते हैं अभी हम भी कोई दूसरे गुरु को नहीं धारण करेंगे, हम भी हरिनाम संकीर्तन करेंगे। बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय। महाप्रभु की कृपा देखो कि छात्रों को भी भक्ति में लगा दिया। इसी प्रकार आप सब लोग अमृतसर वासी, अमृतसर ते खान पीन दा कर है ना, अमृतसर ते हरी नाम दा कर बना दिया ने उनसे। हरी नाम जपो जपाओ, प्रचार करो और जीवन सफल बनाओ। भगवान जो कीर्तन करते थे वो क्या कीर्तन करते थे भगवान, एक सूचना ये है, ये जो हमारा लाइव कार्यक्रम आ रहा है ये भी सत्संग चैनल पर चल रहा है। सत्संग सत्संग चैनल पर ये कार्यक्रम चल रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो महाप्रभु जो हैं वो ये कीर्तन करते थे, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहा, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहा, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहा, गिरिधारी गोपीनाथ मदन गौर भगवान ने प्रारंभ किया। संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत हुई, भगवान ने दो ही लाइनें कही, हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। फिर हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर ने बाकी की लाइनें उसमें डाली, श्री चैतन्य नित्यानंदा श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत
Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavat Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavat Gita Shri Rup Shri Sanatana Bhat Raghunath Shri Rup Shri Sanatana Bhat Raghunath Shri Jiva Gopal Bhat Das Raghunath Shri Jiva Gopal Bhat Das Raghunath चरण बंदा हे छे गोसाई चरण बंदा जहाँ होते बिघन नाश अभीष्टा पूरा हे छे गोसाइया मुई कर वार पदरेनु मोर पंचग्रा चरण तेरी भक्त सनेवा तांदेरे चरण तेरी भक्त सनेवा जन्म होई यही अभिला जन्म अभिला ब्रिज कोयलावा गोसाई जब ब्रिज कोयलावा राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकार राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकार राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकार राधा कृष्ण नित्य लीला आनंदे बोलो हरि भजो भुलावा आनंद बोलो हरि भजो सारे बोलो आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावा आनंद बोलो हरि भजो वृंदावा भजो वृंदावा भजो वृंदावा श्री गुरु वैष्णव पद मजैया मा श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया 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 गुरु वैष्णव पद्म करिया नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे बोलो नरोत्तम दास जया नरोत्तम दास नरोत्तम दास जया नरोत्तम दास पतिता पावन नरोत्तम दास पतिता पावन नरोत्तम दास एक बात मुझे ध्यान में आई इस बात को याद रखो सारे ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा हुआ है नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है क्या लिखा है उसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं
कि जो ये कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं। फिर कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जो ये कहे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं वो मेरा भक्त नहीं, फिर कौन भक्त है? कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। भक्तों के भक्त ये गुरुदेव प्रभुपाद यहां बैठे हुए हैं, इनका भक्त बनो तो आप भगवान के भक्त बन जाओगे। बोलो गुरु गौरांग की जय। ये भगवान श्री कृष्ण के वाक्य हैं। भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। अगर हम भक्तों का तिरस्कार करते हैं तो भगवान कभी हमको स्वीकार नहीं करते। भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब हम भक्तों की कृपा प्राप्त करेंगे। तो बड़े प्रेम से बड़ा आनंद आ रहा है कीर्तन में। ए छे गोसाई जब ब्रिज कोयला बा, राधा कृष्ण नित लीला करीला प्रकार, राधा कृष्ण नित लीला करीला प्रकार। हरि वाह हरि वाह। भजो वृंदावन, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, आनंद सारे बोलो हरि भजो वृंदावन, भजो वृंदावन, भजो वृंदावन, भजो वृंदावन, भजो वृंदावन, भजो वृंदावन, भजो वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पद मजाइया मां, श्री गुरु वैष्णव पद मजाइया मां, श्री गुरु वैष्णव पद मजाइया मां, श्री गुरु वैष्णव पद वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, पद्म करिया, पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, ओ नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम नरोत्तम दास, नरोत्तम दास जय नरोत्तम दास, पतिता पावन नरोत्तम दास, पतिता पावन नरोत्तम दास, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, पतिता पावन प्रभुपाद प्रभुपाद, पतित पावन प्रभुपाद।
बोलो गौर हरि भगवान की जय। सब हाथ ऊपर करो। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान की जय। बोलो कली पावन अवतार गौर भगवान के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। बोलो हमारे पीछे धीरे बोलने वालों की जय। हरे कृष्ण। प्रिय बंधुओं, भगवान ने संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया नवद्वीप में और शिक्षक का कार्य छोड़ दिया। भगवान पढ़ा रहे हैं सबको। गौर भगवान, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, ये स्वयं कृष्ण हैं। इनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, एक भेद है। भेद क्या है? हमारे मनों में, मन हमारे मलिन हैं, मन हमारे कुंठित हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट इनसे भरे पड़े हैं। मलिन मन कैसे समझेंगे? आवश्यकता बाकी है। प्रभुपाद ने कहा है शुद्धि न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। प्रभुपाद ने कहा है जब तक हम विषय विकारों का त्याग नहीं करते तब तक हमारी सत्ता शुद्ध नहीं होती। ये कब कहा भगवान ने? प्रभुपाद जी ने इस विश्व भगवान ने श्लोक कहा, नायम देख देख भाजन नरलोके कष्टान काम हरते बिड़बु जाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तवंतम। शुद्ध, इसी को प्रभुपाद ने कहा शुद्ध है न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। प्रिय बंधुओं, सत्ता को शुद्ध करने का ये संकीर्तन आंदोलन जिसका श्री गणेश स्वयं भगवान ने किया था, गौर हरि ने किया था, लेकिन लोग भूल गए। पर बड़ी कृपा करके बहुत सारे आचार्य भेजे भगवान ने, और थोड़े समय पहले ही हमारे गुरुदेव प्रभुपाद आए और इन्होंने पुनः इस आंदोलन को पूरी दुनिया में फैला दिया, असंभव को संभव कर दिया। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है ऐसे संतों की शरण लो। एक बात हम भूल जाते हैं, कल भी भूल गए थे, इन्होंने ये कहा था मुझे पर्सनली, मैं इनका सेवक रहा हूँ 1975-1977, इन्होंने ये कहा था नवजोगेंद्र मंगल आरती बहुत ज़रूरी है। हम कहीं इनके अनुयायी बने मंगल आरती नहीं करते, ऐसे नहीं, इनकी कृपा लेनी है तो मंगल आरती ज़रूर करनी है। रोज़ या मंगल आरती होती है 4:30 बजे इनकी कृपा से। कल आप सभी ने मंगल आरती में आना है, आओगे नहीं? जो जो नहीं आएगा वो हाथ खड़ा करो। ये माताएं खुद ही खड़ी हो गई, माताओं बैठ जाओ। प्रयास करना अपने मंगल आरती का, दर्शन करें मंगला कोई नहीं रहे कंगला। कंगला मतलब ये नहीं कि नोट आ जाएंगे, उस आध्यात्मिक तौर पर अमीर हो जाएगा, क्योंकि दिन की शुरुआत जब मंगल आरती से हुई सारा दिन बढ़िया रहता है, और मंगल आरती के समय अगर सोए रहे सारा दिन बेकार लग जाता है। तो कृपा करके ध्यान रखो, 12 महीने यहाँ मंगल आरती होती है, और ये सब हमारे गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा है, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम प्रभुपाद मेरा नाम हो रहा है। लोग कहते हैं जी, जैसे उधमपुर मंदिर है, लोग कहते हैं स्वामी जी इतना बड़ा मंदिर बना दिया आपने। मैं कहता हूँ मेरा बाप भी नहीं बना सकता था, तो सच्ची बात है। ये सब गुरुदेव की कृपा है। लोग आते हैं प्रेरणा लेके जाते हैं, और देखो आज ये बात खत्म होती जा रही है कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। हम कई बार इस मार्ग में भी पॉलिटिक्स करते हैं, पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं, मूर्खताओं की मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, वो अच्छा नहीं। ऐसा करने से भाई समय बीत जाने पर पछताना पड़ेगा। कब? दो शब्द सुन लो,
समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं पछताते हैं, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं ले जाते हैं, यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं ले जाते हैं। हरदम फिरता जाया रे आना नहीं हो बार बारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। हरदम फिरता जाया रे आना नहीं हो बार बारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख बावरिया विषियां बिच उमर गुजारी, भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख सारे बोलो आपकी भाषा, विषियां बिच उमर गुजारी भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे। श्वासों के बारे में प्रभुपाद जी ने कहा है, इफ वन लिव्स फॉर 100 years बाय स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ही कैनॉट गेट ए मूवमेंट बैक, बाय स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स he cannot add a moment into it. If time is a money, then one can understand how much money he has wasted. अनुवाद, गुरुदेव कह रहे हैं प्रभुपाद, अगर कोई 100 साल तक जीता और उसकी मृत्यु हो गई, अभी वो लोग करोड़ों डॉलर खर्च करने पर भी एक श्वास वापस नहीं लाई जा सकती जो समय बीत गया, और एक श्वास करोड़ों डॉलर खर्चने पर डाली नहीं जाती। अगर समय धन है तो कितना धन हमने वेस्ट कर दिया। धन का ये समय का जो धन है, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। इसका सदुपयोग कैसे है? इस महामंत्र के जप से, जो महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू कर दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। आप में से बहुत सारे पुराने हैं, नए भी हैं, जप कितना करना है। गुरुदेव की कृपा से सारे बोलो मेरे पीछे, महाप्रभु की कृपा से सारे बोलो पीछे, इतना जप कर की हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम सबका खाता यमराज के पास खुला हुआ है। मैंने, आपने, इसने, उसने गलत काम जो भी किए हैं ना, वहां बहुत बड़ा कंप्यूटर है चित्रगुप्त के पास, सब टाइप होता जाता है। वो खाता बंद कराना है। वो खाता तभी बंद होगा कि हर समय बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ हो जाए तो वो खाता बंद हो जाएगा। यही जीवन का उद्देश्य है माताओं और भक्तों, उस खाते को जो हमारे बुरे कर्मों के कारण खुल गया है उसको बंद करवाना है। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। अभी श्रीनिवास ठाकुर जो पंचतत्व में है, श्रीनिवास ठाकुर जी का वर्णन आ रहा है। श्रीनिवास ठाकुर को भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे और भगवान ने उनकी जो भतीजी थी श्रीनिवास ठाकुर की नारायणी, श्रीनिवास ठाकुर को ऐसा एक धमकी आई कि बहुत सारे यमनों का राज था कि एक नौका भर के यमनों की आ रही है, तो तब गौरव भगवान ने कहा मैं देखता हूँ कैसे तेरे को कोई छू सकता है। भगवान गौर हरि श्रीनिवास को कहते हैं, श्रीनिवास तुम, मैं सबको यमनों को ही भक्त बना दूंगा, तुम देखना चाहते हो? 5 साल की बच्ची थी नारायणी, नारायणी बोल हरे कृष्ण, नारायणी जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम
ये कीर्तन करने लग पड़ी और भावुक हो गई, लोटपोट होने लगी। श्रीवास जी अवाक, कोई चिंता मत करता। तो गौर भगवान आ चुके हैं, अगर हमने अपना भविष्य उज्जवल बनाना है तो गौर भगवान की शरण में आना है। दिन रात महाप्रभु कीर्तन के अमृत में निमग्न रहते, इस प्रकार वैष्णवों का कीर्तन भक्तों को उद्विघन करने लगा। जो भक्त नहीं थे उनको कीर्तन अच्छा नहीं लगता। अभी जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, दुष्टों को अच्छा नहीं लगने। कुछ कहते हैं मैं रात भर सो नहीं पाता। अरे दुष्टों, एक ही बार सोना ना तुम, अभी क्या है। संत कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, कबीरा सोया क्या करे, बोलो कबीरा सोया क्या करे, जागो जपो मुरा, जागो जपो मुरा। कबीर जी कह रहे हैं तू सोया क्या कर रहा है, जाकर मुरार, कृष्ण का नाम है। मुरा नाम के राक्षस को भगवान ने मारा था इसलिए उनका नाम मुरार पड़ा। जागो जपो मुरा, बोलो जागो जपो मुरा, एक दिन ऐसा सोवना, एक दिन ऐसा सोवना, लंबे पांव पसा, लंबे पांव पसा। संत कह रहे हैं अभी तू सोया क्या करता, जाग। और मुरारी श्री कृष्ण का भजन कर रहा, हरे कृष्ण 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 हरे राम क्यों तुम्हें एक दिन ऐसा सोना पर तो उठेगा ही नहीं, फिर तुम्हें कोई उठाएगा तो उठेगा ही नहीं। उस नींद में हम सब ने सोना है, मैंने भी, आपने भी, इसने भी, उसने भी, उससे कोई नहीं बच सकता। इसलिए भगवान ने हमको सचेत किया है गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषांग दर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो, ये भगवान कह रहे हैं गीता में। मृत्यु आएगी अगर मैंने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया, कल दुर्गति हो जाएगी। तो प्रभुपाद चाहते हैं सबकी सदगति हो, गौर भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सदगति चाहते हैं। और सदगति भैया संकीर्तन से ही होगी, हरि नाम संकीर्तन से सदगति होगी, और कोई संकीर्तन सदगति का रास्ता नहीं है। लोग कहे मैं सो नहीं सकता, कुछ कहते मैं रात भर सो नहीं पाता, किसी ने कहा कि इनके चिल्लाकर कीर्तन करने से भगवान क्रुद्ध हो जाएंगे, मूर्ख लोग भगवान नाराज हो जाएंगे, और निश्चित ही कोई अनिष्ट होने वाला है। हाँ दोस्तों, तुम्हारा दमन होने वाला है। हरि नाम संकीर्तन से दुष्ट, बड़े दुष्टों का दमन किया भगवान ने। आगे काजी का भी वर्णन आएगा। काजी जो था उसने अपने सिपाही भेजे, मृदंगे तोड़ी, भक्तों को मारा, लेकिन भगवान ने उसको ही बदल दिया। पहले तो नृसिंह रूप में गए भगवान, उसकी छाती पर बैठ के फाड़ दी उसकी छाती, नाखून लग गए, अभी वो डर गया भगवान के संकीर्तन से। तो महाप्रभु का संकीर्तन सबका कल्याण कर सकता है। हम सब लोग सच्चे भाव से कीर्तन का प्रचार करें, हरि नाम का प्रचार करें। ये जो अमृतसर ते सिफती दा कर, अमृतसर ते खान पीन दा कर, अमृतसर ते हरि नाम दा कर, इसको हरि नाम का घर बता दो। घर घर में हरि नाम करो, जपो, कीर्तन करो, ताकि सब लोग सुखी हों, सबका भविष्य उज्जवल हो। अगर हम ऐसा नहीं करते भैया, भविष्य अंधकार में है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा यह सब श्रीवास पंडित की करतूत है। श्रीवास जी के घर से ही हरिनाम संकीर्तन हुआ था। अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर वह पागलों के समान जोर जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्लाता रहता है। ये लोग विनाश लेकर आएंगे, दुष्टों का विनाश लेकर आएंगे, दुष्टों का विनाश हो जाएगा और भक्तों की जय जयकार होगी। आज ही मैंने सुना है कि राजा ने अपने सैनिकों से भरकर 2 नौकाएं यहां भेजी हैं। राजा ने नौकाएं भेजी, हम श्रीवास को पकड़कर उनको स्पुर्द कर देंगे। दुष्ट लोग तो ऐसे कहते हैं ना, वो भक्तों को कष्ट देना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, एक बात याद रखनी है,
मेरे पीछे सबने बोलना है भगवान के घर में, सारे नहीं बोल रहे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इस बात को याद रखो, जिनको दुष्ट लोग तंग करते हैं ना उनको एक दिन उसका हिसाब देना पड़ता है, उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो, कृष्ण पर भरोसा रखो। तो लोग कहते पकड़ करके उनको सौंप देंगे। श्रीवास ठाकुर अत्यंत कोमल हृदय के उद्धार व्यक्ति थे, वह नारी जी के अवतार हैं पंचतत्व में। बोलो श्रीवास ठाकुर जी महाराज की। और इसलिए वे चिंतित हो गए, महाप्रभु को जब समाचार मिला तो उनको नृसिंह आवेश आ गया। भगवान स्वयं कृष्ण ही नृसिंह हैं, कृष्ण ही चैतन्य हैं, कृष्ण ही, उनको नृसिंह का आवेश आ गया, नृसिंह भगवान बन गए भगवान। इस भाव विहल अवस्था में वे श्रीवास के घर की ओर दौड़ पड़े गौर हरि, क्योंकि भक्त भगवान को बड़े प्यारे हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। तो भाई क्या बनोगे संसार में, आप भक्त बनो, ये संदेश है महाप्रभु का। महाप्रभु स्वयं अपना भक्त बने हैं और उनके शिरोमणि भक्त प्रभुपाद जी, उन्होंने पूरी दुनिया को भक्ति का दान दिया है। हम सब भी प्रभुपाद कृपा से और गौर निताय की कृपा से भक्त बने, भक्त बनने से ही हमारा मंगल होगा। और कुछ बनने का मत प्रयास करो। मान लो वो कहते मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बन गया, PhD, FRCS लंदन, CRP, RPC, CCC, कई डिग्री हैं, दुनिया भर की डिग्री है, और बड़ा घर ले लिया है, सुंदर बच्चे, सुंदर पत्नी, कारें, बड़ी बड़ी कारें, सब कुछ, लेकिन अंत क्या है, मौत की एक चपेट के साथ। प्रभुपद कहते थे विद वन स्ट्रोक ऑफ डेथ एवरीथिंग इज फिनिश, मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त, छुट्टी। अरे भक्त बनोगे ना, गीता में भगवान ने कहा स्वल्पमस्या की धर्मस्य त्रायते महतो भया, जो आध्यात्मिक पथ में थोड़ी सी उन्नति कर लेता है जिसको बहुत बड़े खतरे से बचाती है, खतरा है यमदंड का, यमदूत ले जाने का। इसलिए निवेदन आप सबसे यही है कि भक्त बनो। इस भाव विहल अवस्था में वे श्रीवास के घर की ओर दौड़ पड़े गौर भगवान और चिल्लाने लगे श्रीवास तुम क्या कर रहे हो। उस समय श्रीवास पंडित एक बंद कमरे में भगवान नृसिंह की पूजा कर रहे थे और नृसिंह भगवान को ही पूज रहे थे। महाप्रभु ने ठोकर मारकर दरवाजे को खोला और कहा तुम किसकी पूजा कर रहे हो, किस पर ध्यान कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो मैं तुम्हारे सामने खड़ा है। नृसिंह रूप में भगवान आ गए गौर भगवान। श्रीवास का ध्यान भंग हो गया, आंखें खोलकर देखा तो सामने शंख चक्र गदा और पद्म लिए चतुर्भुज भगवान खड़े हैं। उनको नृसिंह का आवेश है पर चतुर्भुजी भगवान बनेंगे। बोलो नृसिंह देव भगवान की, बोलो चतुर्भुज भगवान की। श्रीवास जी के सामने खड़े हैं आश्चर्यचकित श्रीवास ठाकुर अवाक बैठे थे। महाप्रभु ने कहना जारी रखा इतने समय से तुम पहचान नहीं पाए भगवान, उन्हीं के घर से कीर्तन करते थे। जब वो आगे वर्णन आएगा, जब भगवान का महाप्रकाश हुआ था 21 घंटे तक भगवान कृष्ण रूप में रहे, वो स्वयं कृष्ण हैं अपने भक्त के रूप में छुपे हुए हैं। तो महाप्रकाश जब हुआ भगवान का, सब भागने लगे श्रीवास जी के घर में। तो श्रीवास साहब कहते हैं सची माता को जल्दी बुलाओ। वो कहते हैं हम उनके निमाई को ले जाते हैं और नचाते हैं, वो देखें कि हम निमाई को नचाते हैं या निमाई हमें नचाता है। स्वयं भगवान रूप में भगवान आ गए हैं कि मैं कौन हूं, यही भगवान श्रीवास को कह रहे हैं। तुम्हारे और अद्वैताचार्य के निवेदन पर मैं अपना वैकुंठ छोड़कर यहां आया, वैकुंठ छोड़कर भगवान आए हैं। मुझे ना पहचान कर तुम अपने ही जीवन में व्यस्त हो, हमें भगवान को
पहचानना, उनकी शरण में आना, श्रीमान जी के माध्यम से हमको शिक्षा देनी है भगवान। और मुझसे बचने के लिए अद्वैताचार्य शांतिपुर जा बैठे हैं, मैं भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों को दंड देने के लिए आया हूं। भक्तों की रक्षा और दुष्टों को दंड देने के लिए महाप्रभु, क्या तुम्हें किसी बात का भय है? मैंने सुना है कि दो नौकाओं में भरकर राज सैनिक तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। सबके हृदय में परमात्मा रूप में मैं विराजमान हूं, ये याद रखो। भगवान सबके हृदय में है, मेरे हृदय में भी, आपके हृदय में भी। अगर मेरे हृदय में कुछ कुटिलता है तो भाई उसकी हानि मेरे को होगी। और भगवान सबके हृदय की जानते हैं। ये कुंती माता ने भागवत में कहा, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्वाहिर वस्तुति, सब जीवों के हृदय में आप विराजमान हैं, आप सबको जानते हैं पर आपको कोई नहीं जानता। आपको कौन जान सकता है? जो भक्त बन जाता है भगवान का। इसलिए दो शब्द बोल लो, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, और खजाना नाम से भर ले, खजाना सारे बोलो आवाज कर दो, लगा हर श्वास पर पहरा, याद रखो लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले, है जब तलक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले, शब्दों की ओर ध्यान दें। निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई रोटी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इनको अभी शमशान पहचाना। ये याद रखो, ये शरीर शमशान की अमानत है भाइयों। इस शरीर को पाकर उल्टे सीधे काम मत करो, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से बैठकर तुझे खिलाते थे, कोई दूध कोई सोडा लाते थे, कोई कोका कोई लिमका कोई काफी पिलाते थे, अब घर में तेरे रहते वो भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे, ना खाएंगे खुद भी ना तुझको खिलाएंगे, काम सब छोड़कर पहले तुम्हें मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए प्यारे भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, भक्ति सारे बोलो कृष्ण की कर ले, भक्ति भगवान की कर ले, भक्ति भगवान।
नाम से भर ले, बंधुओं ये संसार क्या है, ये संसार क्या बना है, ये धोखाधड़ी है, माया जाल फैलाकर सबके पीछे खड़ी है। भिक्षु कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल, हरे राम बोलो बोलो राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरि बोल, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि, पतिता पावन गौर हरि, युग अवतारी गौर हरि, युग अवतारी नदिया बिहारी गौर हरि, कलिमल हारी गौर हरि, कलिमल हारी गौर हरि, मैं अपराधी गौर हरि, मैं अपराधी अपराध क्षमा करो गौर हरि, निताय गौरंगा गौर हरि, निताय गौरंगा गौर हरि, दया करो कृपा करो गौर हरि, करो कृपा करो गौर हरि, अति दयालु गौर हरि, अति दयालु गौर हरि, परम कृपालु गौर हरि, निताय गौरंगा गौर हरि, निताय गौरंगा गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि, निताय गौर सुंदर भगवान की। प्रिय बंधुओं, श्रीवास जी को भगवान ढांढस बता रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में विराजमान हूँ, स्वच्छ से सब कार्य करूँगा, यदि मैं राजा
आपको प्रेरणा दूंगा, केवल तभी मैं तुम्हें पकड़ सकता है। भक्तों के रक्षक भगवान है। परंतु यदि स्वतंत्र होकर राजा तुम्हें पकड़ने का आदेश देता है तो फिर देखना मैं क्या करूंगा। नौका में चढ़कर मैं राजा के सामने जाऊंगा, मेरे प्रभाव से निश्चित ही वह मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। परंतु फिर भी यदि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो मैं उससे कहूंगा, तुम अपने सब मुल्लाओं और काजियों को बुलाओ और साथ ही हाथी घोड़ों एवं अन्य पशुओं को भी एकत्रित करो। अपने मुल्लाओं को आदेश दो कि वे अपने ग्रंथों से पढ़कर यहाँ उपस्थित पशुओं को आध्यात्मिक भाव में उन्मत्त करके रुलाएं। मुल्लाओं द्वारा विफल होने पर मैं राजा से कहूंगा, तुम संकीर्तन आंदोलन को रोकना चाहते हो, परंतु अब मेरी शक्ति देखो, मैं हरिनाम संकीर्तन करके इन सब हाथियों और घोड़ों को दिव्य अनुमाद में रुलाकर दिखाता हूं। देखो महाप्रभु ने अपनी शक्ति जो है श्रीवास को बता रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्णा राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे। बोलो गौरांग महाप्रभु की। इन पशुओं की बात तो दूर, हरिनाम के प्रभाव से मैं राजा एवं अन्यों को भी रुला दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, परंतु यह देखो। तभी महाप्रभु की दृष्टि श्रीवास ठाकुर की भतीजी नारायणी पर पड़ी। श्री गौर सुंदर ने उसे आदेश दिया, कृष्ण नाम का उच्चारण करके दिव्य अनुवाद में रोकर दिखाओ। देखते देखते वह 4 वर्षीय बालिका, 4 वर्ष की बेटी, बोलो नारायणी माता की, भाव विभोर होकर हे कृष्ण कहते हुए रोने लगी। उसे बाह्य जगत का कोई भान नहीं रहा, पूरा शरीर आंसुओं से भीग गया और अचेत हो धरती पर गिर पड़े। तो प्रिय बंधु, भगवान का ये जो हरिनाम संकीर्तन आंदोलन है, ये सारी शक्ति इसमें है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियामिता स्मरणे न काला एतादर्शी तवा कृपा भगवन् ममापि दुर्देव मिदृशमिह जानी न अनुरागा। ओ ऑलमाइटी लॉर्ड, योर होली नेम alone can render all benediction to living beings, and thus you have 100 and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names you have invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rule for chanting these holy names. O almighty Lord, out of kindness you enable us to easily approach you by your holy names, but I am so unfortunate that I have no attraction for them. ये भगवान, आपने अपने नामों में, अपराकृत नामों में सारी शक्तियाँ भर दी हैं, अपराकृत शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ, और इन नामों को जपने के लिए ये भी नहीं है कि अभी जपना, अभी नहीं जपना, कभी भी जप सकते हो। एक और बात सुन लो थोड़ी सी। गौर भगवान के एक सेवक थे गोपाल जी, तो उनको भगवान का संग मिला। बोलो गोपाल जी महाराज की। भगवान जब शौच क्रिया के लिए जाते थे सुबह, अपनी जीवा को पकड़ लेते थे। इससे पहले मैं गोपाल जी की आपको कथा सुनाऊं, एक अनाउंसमेंट है। आप सबके लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध है, कृपा करके बिना भोजन प्रसाद लिए ना जाएं। सभी की आमंत्रित हैं, सभी ने भोजन प्रसाद लेके जाना है। तो गोपाल जी जो हैं, ये मत सोचो भी घर में जाके भोजन बनाना पड़ेगा, जब बना के रखा उसको खाना पड़ेगा, यहीं से खा के जाना है। तो
भगवान जो हैं वो असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देते हैं। क्या बात है, गोपाल जी की बात बना रहा था मैं आपको। गोपाल जी जो हैं वह भगवान को देखते हैं, जब भगवान शौच क्रिया में जाते हैं जीवा पकड़ लेते हैं। क्या गोपाल जी पूछते हैं, प्रभु महाप्रभु आप ये अपनी जीवा क्यों पकड़ते हो? गोपाल मेरी जीवा को नाम लेने की आदत है, गंदी जगह वहाँ नाम नहीं लेना चाहिए। तो गोपाल जी कहते हैं, प्रभु अगर गंदी जगह बैठे हुए किसी के प्राण निकल जाए तो वो तो फिर नर्क में जाएगा। फिर गोपाल, महाप्रभु हमें नाम तो कहीं छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान ने गले लगा लिया गोपाल जी को, गोपाल तो मेरा गुरु है, उनका नाम पर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। तो याद रखो किसी भी हालत में नाम नहीं छोड़ना, हर समय नाम जपते रहो। कोई पता नहीं लगा हर सांस पर पहरा, मौत की खबर सुन ले, पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। ऐ जब तलक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले और खजाना नाम से भर ले। तो प्रिय बंधुओं, भगवान संकीर्तन का उनके नित्यानंद जो है बड़े भाई, उनके जन्म की कथा आ रही है। वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्य नित्यानंदम ईश्वरम यस्य छया तत्स्वरूपम अज्ञानापि निरूपिते। मैं भगवान नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम करता हूँ जिनका ऐश्वर्य अनंत और अद्भुत है, जिनकी कृपा से ही एक मूर्ख भी उनको जान सकता है। देखो जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति है, कृष्ण प्रेम पाना है। कृष्ण प्रेम पाने से पहले हमको नित्यानंद भगवान की कृपा चाहिए। नित्यानंद की कृपा से चैतन्य मिलेंगे, चैतन्य की कृपा से कृष्ण मिलेंगे, चैतन्य स्वयं भी कृष्ण है। लेकिन वो भक्त के भाव में है। तो नित्यानंद भगवान जो हैं वो कृष्ण के देने वाले हैं। हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर ने प्रार्थना की है, आर कभी निताई चांद करुणा हईवे। बोलो आर कभी निताई चांद करुणा हईवे, संसार वासना मोरे कभे तुच्छ हईवे। संसार वासना मोरे कभे, ये विषय वासना कब तुच्छ होगी मिल लिए तभी भगवान मिलेंगे भाई। मैं भगवान नित्यानंद प्रभु को दंडवत प्रणाम करता हूँ जिनका ऐश्वर्य अनंत और अद्भुत है, जिनकी कृपा से ही एक मूर्ख भी उनको जान सकता है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सचि सुता होइलो सही, बलराम होइलो निताई द्वाई। भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से श्री नित्यानंद प्रभु बंगाल में राड़ देश में एक चक्र धाम में अवतरित हुए। राड़ देश में एक चक्र धाम में भगवान प्रकट हुए। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम हडाई पंडित था। श्री नित्यानंद प्रभु जिनको लोग निताई के नाम से पुकारते थे, निताई दिखने में बहुत सुंदर और मनमोहक थे। राड़ देश में अकाल पड़ गया, लेकिन नित्यानंद प्रभु के जन्म का बाद अकाल खत्म हो गया। अकाल पड़ गया था, नित्यानंद भगवान प्रकट हुए, काल खत्म हो गया और हर जगह सबका मंगल होने लगा। निताई दिन भर अपने मित्रों के साथ खेलते थे, खेलते ही वो लीला, कभी राम लीला कर रहे हैं, कृष्ण लीला में जो लीलाएं उनकी होती थी बलराम के रूप में, वो लीलाएं भगवान करते थे। उनका खेल भगवान की लीलाओं के ऊपर रहता था। एक चक्र निवासी उनकी ये लीलाओं को देखकर निताई पर अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। तो ऐसे नित्यानंद भगवान ने
बहुत सारी लीलाएं की, केवल लक्ष्मण बन के मूर्छित हो जाते थे और सबको सुख देते थे, क्योंकि वही लक्ष्मण हैं और वही बलराम हैं और भगवान जो हैं नित्यानंद माधवेंद्र दुई दर्शन। नित्यानंद प्रभु जो थे वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। जे सुने तारे मिले कृष्ण प्रेम धन, व नित्यानंद जो माधवेंद्रपुरी से मिले, जो उनको सुनता है उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन मिलता है। माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु के मिलन का वर्णन जो कोई श्रवण करता है तो उसको कृष्ण प्रेम रूपी धन की निश्चित रूप से प्राप्ति होती है। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो नवद्वीप में पधारते हैं। नित्यानंद भगवान जब घर में थे, 12 साल उम्र थी उनके, छोटे थे, एक महात्मा उनके घर में आए, तो हड़ाई पंडित ने उनका बड़ा स्वागत किया, उनका सम्मान किया। कहा महाराज मैं क्या सेवा करूँगा आपकी। तो उनकी भावना देखो हड़ाई पंडित की, नित्यानंद जी के पिता की। उन्होंने कहा मैं भाई यात्रा करना चाहता हूँ, तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूँ, मुझे अपना पुत्र दे दो। तो उन्होंने 12 बरस के दे दिया। अभी वचन दे चुके थे नित्यानंद भगवान, भ्रमण करते रहे। फिर वो अपने प्रिय गौर भगवान की खोज में रहे, वृंदावन में गए, जगह जगह। फिर वो नवद्वीप में आए। जब नित्यानंद प्रभु को पता चला कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नवद्वीप में संकीर्तन को प्रारंभ किया है, तो वे तुरंत नवद्वीप में आ गए। नवद्वीप में एक महान भक्त थे, नंदन आचार्य। बोलो नंदन आचार्य जी महाराज की। जो गौर पार्षद थे, नंदन आचार्य गौर पार्षद थे, और नंदन आचार्य के घर में नित्यानंद रहे। तो भगवान गौर हरि सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि जाओ मेरे पार्षद नित्यानंद यहाँ पधारे हैं। भक्तों ने ढूंढा, उनको नहीं मिले। कहते मैं चलता हूँ, मैं ढूंढता हूँ खुद। तो वो ढूंढते हुए आए और नंदन आचार्य के घर में नित्यानंद भगवान छिपे हुए थे, उनको दर्शन दिए। तो वहाँ भगवान ने उनको अपने छठभुज रूप में दर्शन दिए। छठभुज चित्र लगा पीछे, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण और मैं ही चैतन्य। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। बोलो छठभुज भगवान की। तो फिर नित्यानंद भगवान की व्यास पूजा मनाई गई वहाँ पर, और महाप्रभु ने अपने बड़े भाई को बलराम जी को पूजा। भगवान ने एक शिक्षा दी है, शिक्षाष्टक में, त्रणादपि शुनिचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानीना मान्देना कीर्तनीय सदा करे। भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए। अपने आप को तृण से ज़्यादा विनम्र और वृक्ष से ज़्यादा सहनशील। अपने मान की इच्छा ना करके सदा दूसरों को मान देना, ये भगवान की शिक्षा है। भगवान जैसे पहले मैंने वर्णन किया, जब गया से भगवान आए, भक्तों के कपड़ों को तय करके रखते हैं, उनका सामान उठाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान ऐसा कर रहे हैं। तो एक दिन महाप्रभु ने कहा नित्यानंद गोसाई कल व्यास पूर्णिमा है, कृपया बताइए कि हम आपकी व्यास पूजा कहाँ मनाएं। तो उनकी व्यास पूजा, नित्यानंद प्रभु ने श्री व्यास पंडित का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा मेरी व्यास पूजा इन ब्राह्मण के घर होगी। तो श्रीवास जी के घर में उनकी व्यास पूजा मनाई गई। अगले दिन गौर हरि और नित्यानंद प्रभु गंगा स्नान करने के उपरांत श्रीवास ठाकुर के घर की और चल दिए। कुछ समय में भक्तों ने मधुर कीर्तन आरंभ किया। शास्त्रों में पारंगत महाप्रभु के निर्देशानुसार श्रीवास ठाकुर ने
पूजा प्रारंभ की। नित्यानंद की पुष्प माला देते हुए श्रीवास ने कहा, कृपया प्रार्थना पूर्वक एवं साष्टांग प्रणाम करके व्यासदेव को यह माला पहनाइए। नित्यानंद प्रभु हाँ हाँ कहते हुए अपने हाथ में माला पकड़े खड़े हो गए और फिर अचानक महाप्रभु के गले में डाल दी। नित्यानंद जी बोल रखे व्यास जी को पहनाओ, उन्हें भगवान के गले में माला डाल दी। उस समय महाप्रभु ने नित्यानंद को अपना षडभुज रूप दिखाया। षडभुज रूप जो है मैं ही राम मैं ही कृष्ण रूप दिखाया। उनके हाथों में भगवान विष्णु के शंख चक्र गदा और पद्म तथा बलराम के हल और मुसल थे। यह देखकर नित्यानंद प्रभु दिव्य अनुवाद में प्रविष्ट होकर भूमि पर अचेत गिर पड़े। यह देखकर सब भक्त भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण से उनकी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। नित्यानंद प्रभु को उठाने के लिए महाप्रभु नीचे झुके और कहा, नित्यानंद उठो और अपने मन को स्थिर करो। आपने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए इस जगत में अवतार लिया है। ये दोनों भाई कृष्ण बलराम, नित्यानंद चैतन्य गौर निताय, ये नाम के प्रचार के लिए प्रकट हुए हैं। कलयुग में हमारा उद्धार केवल नाम से हो सकता है, हरिनाम संकीर्तन से। आप भगवत प्रेम के एकमात्र वितर्क तथा कृष्ण भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। जब तक आप किसी को कृष्ण प्रेम नाम दें तब तक वह इस नहीं पा सकता, वो नाम नहीं जप सकता जब तक गौर नित्यानंद भगवान कृपा ना करें। कृपया उठ जाइए, देखिए किस प्रकार आपके अनुयायी आपको घेरे खड़े हैं। आप जिसे चाहें उसे यह संपत्ति दे सकते हैं। गौरचंद्र के शब्द सुनकर नित्यानंद प्रभु अपनी समाधि से बाहर आ गए। नेत्रों से नदियों की भांति अश्रु धाराएं बह रही हैं। महाप्रभु ने उनसे कहा, व्यास पूजा की विधि संपूर्ण हुई, आओ कीर्तन प्रारंभ करें। तो प्रिय बंधुओं, एक प्रसंग जब ये दोनों भाई सन्यास लेने के बाद, और लीला बाद में आएगी, मैं अभी ये मेरे को किसी ने ये भजन सुनने के लिए कहा था, ये भजन उनको अच्छा लगता है। भगवान दोनों भाई सन्यास के बाद अब पुरी में हैं। एक दिन गौर भगवान कहते हैं नित्यानंद प्रभु को कि श्रीपाद, हम यहाँ नीलाचल में रह करके हरिनाम संकीर्तन करते हैं, आनंद से रह रहे हैं, पर पतितों का उद्धार कैसे होगा? देखो गौर भगवान कैसे हैं। कि क्या मतलब आपका? कि आप जाओ और लोगों से नाम जपाओ, नाम की भिक्षा मांगो। दोनों ये दो देह हैं, एक प्राण है। नित्यानंद कहते हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। भगवान कहते हैं, अपने पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार तुम करो, मैं नहीं छोड़ के जा सकता तुमको। गौर भगवान त्रिलोकीनाथ, उनकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। गौर भगवान रोने लगे। प्रिय बंधुओं, जो जिसे प्यार करता हूं उसको रोते नहीं देख सकता। नित्यानंद भगवान ने देखा उनके प्राण रो रहे हैं। कहता, अच्छा बोलो क्या करना है? आप जाओ और प्रचार करो, लोगों को नाम जपाओ, नाम की भिक्षा मांगो। तो भक्तिविनोद ठाकुर हमारे जो गौर पार्षद हैं, उन्होंने भजन लिखा। नदियां गद्रों में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रों में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रों में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रों में सारे बोलो नित्यानंद महाजान, पतिया चे नाम हटा जीवे रे कारण, पतिया चे नाम हट जीवे रे करम, नदिया गद्रों में नित्यानंद महाजान, नदिया गद्रों में नित्यानंद महाजान।
अपराध शून्य है लहु कृष्ण नाम अपर कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण नदिया गद्दों में जीत्या नंद महाजा नदिया गद्दों में कृष्णीरा संसार करो छाड़िया ना चार कृष्णीरा संसार करो छाड़िया ना चार जीव दया कृष्ण ना सर्व धर्म सार जीव दया कृष्ण ना सर्व धर्म सार नदिया गद्दू में नित्या नंद महाजा नदिया गद्दू में नित्या नंद महाजा प्रभु के कहने पर महाप्रभु ने कहा आप जाओ प्रचार करो, इसलिए सभी को शुद्ध भाव से प्रचार करना चाहिए और अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। जब कहा उनको जाने के लिए तो भगवान गोद्रुम द्वीप में आए, नदिया गोद्रुम में, गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद भगवान आए और उन्होंने दुकानें खोली, मार्केट बना दी पूरी। किस चीज की? हरि नाम की। पति अच्छे नाम हटा जीवे रे कारण, नाम की दुकानें बना दी। अरे नाम नाम बिकने लगा, नाम की कीमत क्या? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, नाम की कीमत श्रद्धा। प्रभु आज्ञा भाई मांगे हैं भिक्षा, नित्यानंद भगवान कहते हैं मैं अपने भगवान की आज्ञा दिए भीख मांगता हूं। क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो और कृष्ण की शिक्षा दूसरों को दो। नित्यनाथ भगवान जो बलराम के अवतार हैं, कितनी कृपा कर रहे हैं जीवों पर। फिर ताकि अपराध ना शून्य हो लहो कृष्ण नाम, अपराधों से मुक्त होकर कृष्ण का नाम जपो। अगर हम अपराध करते हैं तो नाम जपने का लाभ नहीं होता। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमानंद। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होती। वही नित्यानंद भगवान कह रहे हैं, भक्ति मनोज ठाकुर लिख रहे हैं, अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता हैं, वो पर पानी देंगे। कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारा धन प्राण। तो अपराधों से बचना है, नित्यानंद भगवान की शिक्षा सब याद रखो प्रिय बंधुओं व माताओं। फिर उन्होंने कहा नित्यानंद भगवान ने, कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्ण पे संसार कैसे होगा? जीव दया जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवों पर अगर दया करनी है उन्हें हरि नाम सुनाओ। गुरु महाराज ने ये आंदोलन शुरू किया प्रभुपाद जी ने अमेरिका से, कैसे किया मेरा तो दिमाग काम नहीं करता,
कैसे गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान पीने वाले, वेवेचारी दुराचारी जुगा खेलने वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले, कैसे उन्होंने बदले, ये कृष्ण शक्ति लेकर आए थे, भगवान गौर हरि इनके साथ में थे। वहां कीर्तन किया, अमेरिका में न्यूयॉर्क में कीर्तन से आंदोलन शुरू हुआ, जीवों को कृष्ण नाम सुनाना सारे धर्मों का सार है। जीवों पर अगर दया दिखानी है उनको कृष्ण का नाम सुनाओ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। तो ये नित्यानंद भगवान की छोटी सी बात मैंने आपको बताई। नित्यानंद भगवान अपने छोटे भाई कृष्ण बलराम हैं, वो प्रकट हुए हैं लोगों को युग धर्म सिखाने के लिए, और युग धर्म जो है वो हरि नाम संकीर्तन है। और हरि नाम संकीर्तन पर सबका अधिकार है, इसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, सभी आत्माएं हैं। आत्मा सबके हृदय में विराजमान है, आत्मा परमात्मा की अंश है। एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर में भगवान का महाप्रकाश हुआ, जिसे सप्त प्रहरिया महाप्रकाश कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन अपने भक्त के भेष में वो छुपे हुए हैं। अभी वो कृष्ण रूप में आ गए और विष्णु सिंहासन पर जाके बैठ गए कि मेरा अभिषेक करो। सब भक्त लोग भागने लगे, सची माता का बेटा कृष्ण, कोई इधर जा रहा कोई इधर जा रहा है। तो भगवान बैठकर कहते मेरा अभिषेक हुआ। कहा श्रीधर श्रीधर श्रीधर। कौन श्रीधर? कौन बेटा श्रीधर? एक श्रीधर हुए, बड़े गरीब थे बेचारे, वो दोने और थोड़ केले का जो बीच में से जब पक जाता केला निकलता है वो बेचकर गुजारा करते थे, लेकिन वो अपनी आधी आय कृष्ण की सेवा में लगाते थे। जिन्हें जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, जो दीक्षित हैं, उनको अपनी आधी आय भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। वैसे तो हमें यहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ के हैं ही नहीं हम, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा, और कहाँ हम जाएंगे ये नहीं जानते, पर अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो हम गौलोक धाम जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे। तो अपनी आधी आय जरूर लगानी चाहिए। हमारी अटैचमेंट है, मोह है ना। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने ऐसा किया तो श्रीधर बेचारे, एक दो पैसा उनकी इनकम थी रोज की, उन समय 500 साल पहले, आधी आय गंगा जी की पूजा में लगाते थे। वो भगवान उनके पास जाते, उनसे छीना झपटी करते, उनको कहते श्रीधर ये जो तू जो गंगा की पूजा करता है ना, ये तो मेरे चरणों का धोवन है। श्रीधर क्या समझे? श्रीधर कहें निमाई ऐसा नहीं कहते, अपराध होता है। तो उनसे केले की थोड़ और वो पत्ते छीन के जो भी ले जाते थे भगवान। अपने भक्तों पर भगवान अपना अधिकार समझते हैं। प्रिय बंधुओं, तो गौर भगवान बोले श्रीधर को दाओ। श्रीधर को बोला जाकर के भक्तों ने भागे उल्वे तो श्रीधर के पास गए और कहा गौर भगवान साक्षात कृष्ण रूप में आ गए। तो श्रीधर कहते हैं ये तो मुझे पहले ही भगवान ने बताया था लेकिन मैं समझ नहीं पाया। वो मूर्छित हो गए, उनको उसी अवस्था में उठा करके, श्रीधर जी को उठा के मूर्छित अवस्था में भगवान के चरण में रख दिया। भगवान ने अपना चरण कमल उनके सर पर रखा और कहा श्रीधर उठो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए तुमको। श्रीधर जी गरीब क्या मांगते हैं, कहते यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं, वो जो बाल निमाई मेरे पास आके छीना झपटी करते, मेरे से थोड़ छीनते पत्ते छीनते, वो रूप मेरे हृदय में सदा बना रहे,
देखो जिसे भक्ति है ना मिली हुई, वो कुछ नहीं चाहता। जैसे उस शब्द में हम कहते हैं ना, आप भी बोल दो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार, हे कृष्ण आपका प्यार चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो श्रीधर गरीब कुछ नहीं मांगा, कहा हम तुम्हें राजा बना दें, जो तुम चाहते हो हम दे दें तेरे को। बोला मुझे वो निमाई बाल निमाई मेरे हृदय में विराजमान रहे। तो प्रिय बंधुओं, महाप्रभु सबको वर दे रहे हैं, किसी ने किसी वैष्णव ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने इनको कहा, अद्वैत आचार्य नाड़ा, मांगो क्या वर चाहिए तुमको, तूने मुझे बुलाया है पृथ्वी पर। देखो अद्वैताचार्य ने क्या वर मांगा। अद्वैताचार्य जो हैं शिव और महाविष्णु के मिलित रूप हैं। शिव जी ने प्रार्थना की थी विष्णु भगवान की, और विष्णु भगवान ने दर्शन दिए उनको। शिव जी ने जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान आप आओ पृथ्वी पर, जब दर्शन दिए दोनों मिले तो आकाशवाणी हुई, आप दोनों मिलित होकर अवतार लो और मैं भी पृथ्वी पर आ रहा हूँ आपकी प्रार्थना से। तो उन्होंने किसी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अद्वैताचार्य ने क्या मांगा ध्यान दीजिए। अद्वैताचार्य कहते हैं गौर भगवान को, यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे को ये वर दो कि कलयुग में कोई कितना भी पतित होगा पर वो आपकी कृपा से वंचित ना हो। बोलो अद्वैताचार्य जी महाराज की जय। कोई कैसा भी है, हम सब पतित ही हैं, लेकिन अद्वैताचार्य कहते हैं कोई कितना पतित हो उसकी कृपा, उस पर आपकी कृपा जरूर होगी। प्रिय बंधुओं, ये अद्वैताचार्य ने मांगा। और हरिदास ठाकुर बाहर बैठे थे, हरिदास 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 बाहर ही बैठे हैं, तेरे बड़ी विनम्रता की मूर्ति। हरिदास यवन कुल में प्रकट हुए, 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते थे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। हरिदास बाहर बैठे बैठे क्या कहते हैं, महाप्रभु अगर आप पतित पावन हैं तो मैं पतित नहीं, अगर आप दीन बंधु हैं तो मैं दीन नहीं, अर्थात मैं पतित से भी नीचे हूँ, दीन से भी नीचे हूँ। तब गौर भगवान कहते हैं, हरिदास अपना दैन्य रहने दे, तेरी विनम्रता से मेरा हृदय फटा जाता है। जब यवन तेरे को मार रहे थे, कोड़े मार रहे थे, मेरे से तेरा दुख देखा नहीं गया, मैं आया उनको मारने के लिए, पर तुम उन्हें क्षमा कर रहे थे। देखो वैष्णव कैसे होते हैं, वैष्णव बनना बड़ी दूर की बात है। तुम कह रहे थे हे भगवान इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यवनों को 22 बाजारों में कोड़े मारे गए उनको, तो मैं तेरा दुख नहीं देख सका। हरिदास मैंने तेरे शरीर में प्रवेश करके कोड़े सारे अपने ऊपर लिए, देख मेरी पीठ कोड़ों से भरी पड़ी है। भगवान ने भक्त को कष्ट नहीं लगने दिया, कोड़े सब पीठ भरी है भगवान की यवनों के कोड़ों से। तो फिर भगवान के भक्त मुकुंद जी थे, श्रीवास ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु आपने मुकुंद को नहीं बुलाया, वो तो आपका बड़ा प्रेमी है। मुकुंद वो अगर भक्तों की टोली में बैठता तो भक्तों की बात करता है, और मायावादियों की टोली में बैठता है तो मायावादियों की बात करता है, वो मेरी कृपा का पात्र नहीं है। महाप्रभु कभी कृपा होगी? तो मुकुंद जी ने सुना बाहर बैठे हुए, कहते पूछो भगवान को उनकी कृपा कभी मेरे पर होगी? कहना 1 करोड़ जन्म के बाद मेरी कृपा होगी। जब ये सुना बोल चलो होगी, जैसे 1 करोड़ जन्म के बाद मुकुंद जी उसी में भावुक हो गए, भगवान ने उनको भी अंदर बुला लिया। तो ये सप्त प्रहरिया भाव जो था भगवान का, एक भगवान की दासी थी उनका नाम दुखिया था, श्रीवास ठाकुर में जब भगवान नृत्य करते थे तो ये माता वृद्ध माता गंगा जल के घड़े भर भर के रख देती थी भगवान के नहाने के लिए। भगवान आए देखे कि ये घड़ों की कतार कौन भर के रखता है,
श्रीवास ठाकुर कहते हैं प्रभु आपकी दासी दुखिया, उसे कौन कहता है दुखिया, वो तो सुखिया है। महाप्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया, बोलो सुखिया माता की। महाप्रभु केले मूंग दाल दही रबड़ी माखन आदि सब खा गए और गंगा से भर के लाए, सैकड़ों मटके पी गए। महाप्रभु श्रीवास ठाकुर और गंगा दास को पूर्व की बातें बताने लगे। गंगा दास जी को जब भगवान इस भाव में थे, सप्त प्रहरिया भाव में, श्रीधर महाप्रभु के गुणगान में सुंदर स्तुतियां गाने लगे। अद्वैताचार्य सची माता, जब सची माता को बुलाया गया तो सची माता आई तो भगवान ने देखा नहीं अपनी मां की तरफ कृष्ण रूप में। श्रीवास कहते हैं प्रभु जननी आपको प्रणाम कर रही है। उसमें सची माता ने दंडवत किया भगवान को, स्त्रियों के लिए दंडवत नहीं है, सची माता ने किया। सची माता ने जब दंडवत किया तो भगवान देख नहीं रहे। श्रीवास ठाकुर कहते हैं प्रभु आपकी जननी आपको प्रणाम कर रही है, ये मेरी कृपा की पात्र नहीं है, ये मेरे भक्तों का उपहास करती थी, ये कहती थी ये श्रीवास ले जाते हैं उसको नचाते हैं ये करते हैं वो करते हैं। जब सची माता को लाया गया ना तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं सची माता को बुलाओ, उन्हें बोलो कि देखें कि हम निमाई को नचाते हैं या निमाई हमको नचाता है। स्वयं कृष्ण भगवान वही सबको नचाते हैं। तो फिर अद्वैताचार्य बोले महाप्रभु इनका वत्सल्य भाव आपके लिए है। तो भगवान ने अपना चरण कमल सची माता के सर पर रख दिया, जाओ देवी तुम्हारे सारे अपराध क्षमा, जाओ माता को क्षमा किया। तो ये भगवान का दिव्य जो है सप्त प्रहारी भाव हुआ। जिगाई मदाई कल करेंगे, आगे जिगाई मदाई का प्रसंग था ये कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। अभी आरती तो हो गई है, हम यहाँ गा देंगे बैठे बैठे और आप लोग भी बैठे बैठे गाइए, सब मिलकर गाएंगे। उसके बाद प्रसाद होगा, कृपा बिना प्रसाद के कोई ना जाए, भगवान का प्रसाद मांग के लेना चाहिए, राजा को ही मांग के लेना चाहिए ऐसा कहा, और वंदन करके खाना चाहिए मिलकर। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर बैठे रहिए वासादि गौर भक्त जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जयो जयो गौराचार्य ब्रह्मा आदि देव नारायण
परम रसाला बहु कोटि चंद्र जीवी काल देशे बनामाला कर जल माला शिवा सुख नारद प्रेमी गद गति नो देखे भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा बोलो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Sare Bolo Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Rama नंद कुमार नंद कुमार मदन गोपाल मदन गोपाल मदन गोपाल मोहन रूप मदन गोपाल मोहन रूप मोहन रूप नंद कुमार मोहन रूप नंद कुमार जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे वंदे
नंद कुमारा नंद कृष्णा नंद कुमारा नंद कुमारा मदन गोपाला नंद कुमारा मदन गोपाला मदन गोपाला मोहन रूपा मदन गोपाला मोहन रूपा मोहन रूपा नंद कुमारा मोहन रूपा नंद कुमारा जय जय देव हरे जय जय देव हरे जय सचिनंदन गौर हरे जय सचिनंदन गौर हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा गौर हरि गौर हरि निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद प्रहलादायिनि हिरण्याकाशी कुलवक्त्रः शिलतङ्गारङ्गालाय इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह पाये नृसिंहाय नये नृसिंहाय चरणं प्रमन तवकर कमल भरे नाका अद्भुत सीता दाई दाई रंजन सिंह तनु वृंगा केशव दीना नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय
नरसिंहदे नरसिंहदे प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद जय नरसिंहदे नरसिंहदे प्रहलाद महाराज जय समस्त भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंहदेव भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय महाभागवत जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमेश्वरी विराजकचारी स्तोत्री श्रमशिला भक्ति विदान गो स्वयं महाराज शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमेश्वरी विराजकचारी अष्टोत्तरी श्रमशिला भक्ति सिद्धांत सत्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय इस्कान बीवीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासदि गौर भक्तविंद की जय श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय श्री धाम मायापुर धाम की जय श्री श्री यमुनामयी गंगामयी की जय श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय श्री श्री सामवेद भक्तवृंद की जय श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय पतित पावन शिला प्रभुपाद इस्कान अमृतसर की जय बोलो गौर कथा की जय बोलो गौर भगवान की जय निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी सब भक्तों की जय जयकार हो सब भक्तों की जय जयकार गुरु और गौरांग की जय जयकार प्रसाद की प्रार्थना बोलनी लोग तो चले तो बोलो कल सबने मंगलाष्टमी आना सबका धन्यवाद हरे कृष्णा।